हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक मोटर टॉक। मैं हूं आपको शशांक भट्ट एंड आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं दी ऑल न्यू मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। वेल काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहा है, मतलब कि काफ़ी लेट हो चुका है, बट सारी डिटेल में बात करेंगे क्या फीचर, सेफ्टी फीचर्स, इंजन ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉक अबाउट दी फ्रंट ऑफ दिस का, फ्रंट में आपको यहाँ पर मारुति सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा, सुजुकी का, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, कुछ इस प्रकार की आपको ग्रिल देखने को मिल जाएगी। हेडलाइट्स की बात करें तो आपको टू डिफरेंट पार्ट में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर DRL आपको 1, 2, 3 जो कि नेक्सा के अभी फिलहाल जो डिज़ाइन में चल रही है, न्यू बलेनो वगैरह में, उसमें भी आपको देखने को मिलती है, एज इट इज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पर प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा फॉग लैम्प के साथ, मतलब फॉग लैम्प इसमें नहीं है, यही फॉग लैम्प का और हेडलाइट का काम करेगी। हाई बीम लो बीम दोनों ही प्रोजेक्टर अंदर देखने को मिलेंगे। LED इंडिकेटर देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर, जैसे कि जिसके अंदर ही आपको मतलब ड्यूअल फंक्शन जो है आपको DRL दिए हुए हैं, जिसके अंदर LED और DRL दोनों ही वर्क करती हैं। बाय द वे साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, वही नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पर स्कीड प्लेट आपको देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पर कुछ इस प्रकार की जो है रेडिएटर ग्रिल आपको देखने को मिलेगी। ब्लैक फिनिश आप यहाँ पर देखेंगे, क्लैडिंग जो है यहाँ पर ब्लैक देख रहे हैं। ये आपको उस हाइब्रिड वाले वेरिएंट में, एक्चुअली ये 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन वाला वेरिएंट है, तो इसमें आपको ये नॉर्मल क्लैडिंग देखने को मिलेगी रफ प्लास्टिक की। एंड अगर आप वो वाला वेरिएंट देखते हैं जिसमें आपको हाइब्रिड देखने को मिलता है, उसके अंदर आपको ये जो है पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाएंगी। ये इसके कुछ प्रकार के टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको सेम जो है 17 इंचेस के ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। 21560R 17 इंचेस के देखने को मिलते हैं। और दी बैक प्रोफाइल, उससे पहले यहाँ पर देखेंगे, आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर क्रोम वगैरह देखें, जो कि एसेसरी का पार्ट है, आप लगाना नहीं चाहे तो शोरूम में भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं फुट स्टेप आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। वेल ग्लास एरिया की बात करें तो यहाँ पर ऑल ब्लैक आपको देखने को मिल जाएगा, क्रोम फिनिश आप यहाँ पर देखेंगे, बट ये क्रोम नहीं है, यहाँ पर सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी। रूफ रेल्स ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएंगी एंड यहाँ पर भी आपको क्रोम देखने को मिल जाएगा। ग्लास की बात करें तो यूवी कट जो आपको ग्लास पलेनो में देखने को मिलता है, सेम एज इट इज में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो लुक एट दी बैक ऑफ दिस कार, काफ़ी खूबसूरत आपको इसका बैक लुक देखने को मिल जाता है। बीच में सुजुकी का लोगो, वाइपर वॉश, डिफॉगर, शाफिन एंटीना ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे देखेंगे स्पॉइलर आपको देखने को मिल जाता है। वेल वन ऑफ दी फेवरेट थिंग इन दिस कार मेरी जो है वह है इसकी टेल लाइट्स। लुक एट दी टेल लाइट्स, ऑफ कनेक्टेड टेल लाइट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, बट यहाँ पर सुजुकी का लोगो है तो यहाँ पर जो है वो रुक जाती है। एंड यहाँ पर देखेंगे ग्रैंड विटारा की बेजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बड़े बड़े स्पेस देखिए ग्रैंड विटारा की बेजिंग मिल जाएगी। ऑल ग्रिप मतलब ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है, स्मार्ट हाइब्रिड मतलब माइल्ड हाइब्रिड इसके अंदर टेक्नोलॉजी दी हुई है। हाइब्रिड वाले वेरिएंट में जो होती है थोड़ा डिफरेंट है, उसमें आपको प्रॉपर हाइब्रिड की देखने मिलेगी। इंडिकेटर, बैक लाइट एंड रिफ्लेक्टर तीनों आपको इसके अंदर मिलेगी, जो कि हेलोजन आपको अगेन दिए हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो सिल्वर फिनिश आपको नीचे की तरफ स्कीड प्लेट देखने मिल जाएगी। इसके अंदर दो पार्किंग सेंसर नहीं देखने को मिलते, आपको 4 पार्किंग सेंसर एक्चुअली देखने को मिलते, विच इज़ वेरी गुड थिंग, इस बड़ी गाड़ी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सो फटाफट से बूट को ओपन करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आपको मैग्नेटिक जो है फंक्शन आपको बटन आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करते हैं, वेल तो यहाँ पर थी 60 लीटर का अप्रोक्स जो है बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है। आई डोंट नो अभी फिक्स कितना है, ऑफिशियली रिवील नहीं किया है, बट इतना एवरेज जो है माना जा रहा है। स्पेयर व्हील आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, कितनी इंच का है यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपको 17 इंच का दिया, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की फिटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इसको क्लोज करते हैं, फटाफट से इंटीरियर को चेकआउट करते हैं। इंटीरियर में बदलने से पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार की आपको जो है की इसके अंदर देखने को मिल जाती है। वेल फोकस कर लेता हूँ, कुछ इस प्रकार की जो है की आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। ओके फोकस, ओके फोकस हो चुका है। सुजुकी का लोगो एंड कुछ सेम आपको जो गाड़ी सारी गाड़ियों में देखने को मिलती है, वही लॉक एंड अनलॉक। एंड इसको आप प्ले करेंगे तो वो जो आपकी है मिरर वगैरह फोर ऑटो फोल्ड डिफरेंट फंक्शन के साथ देखने को मिल जाते हैं। वेल इंटीरियर में बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार के आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा। कलर फिनिश आप देख यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का जो कलर आपको ब्लैक एंड ये को कॉफी कलर टाइप आपको है ट्रीटमेंट इसके अंदर देखने को मिल जाता है। सिल्वर फिनिश आप देखने को मिलेगी, यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग डोर हैंडल आपको दिए हुए हैं, ये सारे कंट्रोल्स पावर विंडो के। यहाँ पर लेदर सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा, विच इज़ वेरी गुड थिंग। यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा सेम एज इट इज़ 1 लीटर कप होल्डर। एंड यहाँ पर देखेंगे बॉटल यहाँ पर कुछ इस प्रकार के इंसर्ट करने के जो है नॉर्मली कार में यहाँ पर ऐसे रहता है, विच इज़ डिफरेंट, तो कि थोड़ा अनप्रैक्टिकल हो सकता है। हाइट एडजस्टेबल मतलब 8 मैन्युअली एडजस्टेबल आपको सीट्स के अंदर देखने मिलते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलता है एंड यहाँ पर कुछ प्रकार की रिंग सिल्वर फिनिश आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे आपको इस प्रकार के AC मैंस देखने को मिल जाएंगे। सो डोर को क्लोज करते हैं, सीट को पीछे करता हूँ एंड ओवरऑल आपको पूरा जो इंटीरियर है वो मैं आपको चेकआउट करा लेता हूँ फटाफट से, कैमरा को एडजस्ट करते हैं।
फर्स्ट यहाँ पर बटन को स्टार्ट करते हैं एंड चेकआउट करते हैं। ये सेकेंड टॉप वेरियंट है इसका, तो इसमें आपको फुली डिजिटल जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ इस प्रकार दो चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं एंड कुछ इस प्रकार का आपको मारुति का जो है स्टेयरिंग व्हील देखने का सेम एज इट इज़ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार की रिंग, मीडिया के कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल इस वेरियंट में बाकायदा आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स, वाइपर्स के कंट्रोल, हेडलाइट्स के कंट्रोल एंड इसमें आपको वगैरह बहुत सारी चीज़ें वो है इसमें देखने को नहीं मिलती है, हेड अप डिस्प्ले वगैरह। एंड यहाँ पे देखेंगे 9 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पर देखने मिल जाती है। फोकस कर लेता हूँ मैं, आई डोंट नो इसकी ब्राइटनेस इतनी कम क्यों करके रखी है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने मिली है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, नॉट एन इशू इन दैट। एंड यहाँ पर आपको जो है कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है, वो उसमें आपको कोई इशू नहीं रहेगा, मतलब फ़ोन से कनेक्ट भी आप कर सकते हैं। वाईफाई का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है कनेक्टिविटी का, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आप इसको बहुत ही ईजीली एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे गया ओके, इस प्रकार से आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेटिंग में जाते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। चलो ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो आपको हर गाड़ी में देखने को मिलती है वही देखने को मिल जाएगी। कुछ नया जो है इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ, होम पे क्लिक करते हैं, एवरेज वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं, गाड़ी की डिटेल वगैरह आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या क्या डिटेल है, एवरेज देरी है, एवरेज स्पीड क्या है, फ्यूल इमरजेंसी, यहाँ पे 1 नोटिफिकेशन है जो कि फ्यूल लो है। एंड ये सेटिंग्स के लिए आपको अलर्ट नोटिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए, यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, वापस से यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक ज़्यादा नॉब दे देनी चाहिए थी, ज़्यादा प्रैक्टिकल रही थी। यहाँ पे कुछ इस प्रकार की फिनिश, इंटीरियर देखेंगे सेम एज इट इज़ सारी गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है वही इंटीरियर, इसके अंदर भी छेप दिया है मारुति ने। एंड इंडिकेटर का बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है जो कि बेस वेरिएंट से स्टार्ट होता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग, मतलब बेस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, बहुत अच्छा लगा मुझे महाराज का। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, USB का पोर्ट, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर गिराते हैं, कैमरा की चेकआउट क्लियर क्वालिटी। तो यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा जो है आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है, तो सेम बलेनो जैसी क्वालिटी है, क्वालिटी काफ़ी बेस्ट नहीं है मैं बोलूँगा, डिसेंट क्वालिटी, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिवर्स मोड में, ये लेफ्ट साइड एंड रिवर्स के लिए, एंड यहाँ पे पार्किंग सेंसर वगैरह आपकी साउंड वगैरह आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो सराउंडिंग वगैरह फीचर यहाँ पे आई डोंट नो क्यों नहीं दिया जो कि बलेनो में देखने मिलता है, इसको यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, कहाँ गया कैमरा ओके। नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्नो वगैरह, ऑल व्हील ऑल ग्रिप या जो कि मारुति का ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है उसमें आप लॉक अनलॉक, फोर व्हील ड्राइव लॉक, फोर लॉक पे शिफ्ट कर सकते हैं, ऑटो पे पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कंडीशन के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा। स्नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एनिमेशन बन के आता है वो काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पर देखने मिलता है, मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ ओके। सो यहाँ पर स्नो में क्लिक करेंगे, स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड, यहाँ पे क्लिक करेंगे स्नो मोड एक्टिवेटेड, जो कि गाड़ी बन के जो एनिमेशन आता वो काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे एक्चुअली। यहाँ पे ऑटो पे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे लॉक पे शिफ्ट करेंगे तो नॉट लॉक पे शिफ्ट करेंगे तो अभी शिफ्ट नहीं हो रहा है, फर्स्ट सेट अच्छा ओके। तो स्नो मोड में शिफ्ट करने के बाद ही जो आपका फोर व्हील ड्राइव लगेगा, यहाँ पे स्नो पे शिफ्ट करते हैं, ऑटो पे शिफ्ट किया, यहाँ पे स्नो पे शिफ्ट किया, ऑल व्हील ड्राइव लगा देते हैं तो लॉक हो चुका है, जो मतलब ऑल व्हील ड्राइव लॉक सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ, विच इज़ वेरी गुड थी। ऑटो पे क्लिक करते हैं, सिटी में हमको गाड़ी चलाने के हिसाब से। एंड यहाँ पे हैंड ब्रेक लुक्स, दो कप होल्डर आपको देखने मिल जाते हैं, यहाँ पे की वगैरह आप रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको स्पेस देखने को नहीं मिलता है। वेल यहाँ पे आर्म रेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि स्लाइडिंग आपको ऑफकोर्स दिया हुआ है। एंड ऊपर की तरफ बात करते हैं फटाफट से, मारुति ने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे देखेंगे, यहाँ फोकस कर लो, ऑटो डिमिंग IRVM आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, फोकस 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 मीटर पे कर रहा है ओके। तो ऑटो पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, मिरर लेफ्ट साइड आल्सो आपको मीटर देखने को मिला लाइट के साथ, ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ जो है मारुति ने फाइनल विटारा में दे चुकी है। एंड यहाँ पे कुछ ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, हैलोजन लाइट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। एंड यहाँ पे देखिए सनरूफ ब्लाइंड खुल गया, इसको और खोलते हैं, देखिए फटाफट से थोड़ा स्पीड अप कर लेते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस की, ये भी खुल रहा है, मतलब सब सेगमेंट की सबसे बिगेस्ट सनरूफ के साथ ये गाड़ी आती है, मतलब सेकेंड पार्ट जो भी है वो भी आपका खुलता है। तो इसको क्लोज करते हैं, एक चीज़ मुझे काफ़ी दिखाना ज़रूरी लगा इस गाड़ी के अंदर, यहाँ पे आके रुक गया एंड देन ये क्लोज होगा। मुझे काफ़ी जो ख़राब लगी मारुति की वो मैं आपको दिखाता हूँ,
यहाँ पे कर्टेन को देखिए कितनी पतली क्वालिटी का दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए काफ़ी काफ़ी लो क्वालिटी दी है, तो जो हीटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर आने के चांसेस बन सकते हैं, मतलब कि एसी इसका कोई भी यूज़फुल नहीं रहेगा जब ये रहेगा। तो थोड़ा तो मारुति शर्म कर लेते इतने के लिए, चलो वेल ये भी इग्नोर करते हैं, मारुति है तो चलता रहता है। तो अब इंजन ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या इंजन ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। उससे पहले रियर सीट्स में बढ़ते हैं और स्पीड चेकआउट कर लेते हैं। वेल डोर की बात करें तो भाई आपको लकड़ी क्वालिटी वाले जो है डोर और बिल्ड क्वालिटी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, यही मुझे लगा था इसमें इम्प्रूव की होगी बट नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पे ये सेम चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। इंजन में स्पेस चेकआउट करते हैं, फ्रंट सीट मैंने पूरी पीछे कर ली थी सो मुझे नहीं लगता अब स्पेस बचा होगा, सो इधर बढ़ते हैं। ये भी सीट मैंने मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट की थी, सो यहाँ पे कितना है इतना स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। रियर एसी वेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, दो यूएसबी पोर्ट जो कि सी टाइप दिया है, नो यहाँ पर एक सी टाइप एंड एक यूएसबी पोर्ट दिया है विच इज़ वेरी गुड थिंग। दोनों ही चीज़ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ये है इस प्रकार के इंटीरियर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है, इंटीरियर काफ़ी डिसेंट लगते हैं। आपको जो है वो बोले ना गरीबों वाली फीलिंग नहीं आएगी मारुति में बैठने का, जो कि आपको हमेशा आपको देखने को मिलती है। वो कहता है नेक्सा की किसी भी गाड़ी में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिशिंग है जो काफ़ी प्रीमियम लग रही है। एंड यहाँ पे हेडरेस्ट देखिए आप, एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, बट इनमें एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एडजस्ट तो होते हैं ये भी एडजस्टेबल है, तीनों आपको एडजस्टेबल देखने को मिलेंगे, आम रेस्ट भी देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, बट एक इशू मैं आपको दिखा देता हूँ अबाउट दी हेडरूम। काफ़ी कम जो है आपको हेडरूम इसके अंदर देखने को मिल जाए, यहाँ पे देखिए मैं तो ऑलमोस्ट टच हो ही चुका था। वेल चलिए फटाफट से इंजन की बात कर लेते हैं। दिस इज़ द मारुति 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है जो कि एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, फोर सिलेंडर नॉर्मल जो है पेट्रोल इंजन, फोर वाला आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाए जो कि अप्रोक्स 105 bhp की पावर जनरेट करता है, नॉर्मल 170 bhp न्यूटन मीटर का जो है टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है। इस इंजन के अंदर अप्रोक्स आपको 18 kmp का जो है माइलेज देखने को मिल जाता है। एंड बट एक और इंजन आपको जो है इसके अंदर देखने को मिलता है, हाइब्रिड इंजन जो कि टोयोटा का इंजन है, थ्री सिलेंडर इंजन है, वो भी 1.5 लीटर ही है बट उसके अंदर जो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो वो जो है अप्रोक्स 91 bhp की जो है पावर जनरेट करता है। एंड मोटर जो है इसमें दिए हुई है तो एडिशनली जो उसके अंदर थोड़ा पावर आपको देखने को मिलता है 79 bhp का, एंड 112 जो है न्यूटन मीटर का जो इसमें टॉर्क एक्स्ट्रा जो आपका देखने को मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी पावरफुल है। एंड उसका ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस मैं अभी 100% जो है प्रोवाइड कराऊंगा। एंड अबाउट द माइलेज ऑफ दैट इंजन जो कि आपको ऑलमोस्ट 28 kmp का देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, सो वो चला के हम बात करेंगे कैसा है हाइब्रिड इंजन चलाएं, वो सारी डिटेल में बात करेंगे। दिस इज द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट जो आपको 6 एयरबैग्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ABS EBD जैसे जो है नॉर्मल सेफ्टी फीचर्स आपको अंदर देखने को मिल जाए, ब्रेक से जो है CVT ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाएगा, हीड असिस वगैरह जो है और भी फोर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है। तो कैसी लगी आपको ये गाड़ी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। ड्राइविंग जो रिव्यू है इसका बहुत ही जल्द आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो थैंक यू वीडियो देख लो दोस्तों।